में बीएसपी सपा व आरएलडी के बने इस गठबंधन की लोकसभा चुनावी महारैली में इकट्ठा हुए इन पार्टियों के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग अपने इस बने गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को भी सुनने के लिए यहाँ मैनपुरी शहर में इकट्ठा हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही आज मुझे आपकी सपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग अपनी इस मैनपुरी लोकसभा की सीट से सपा संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी को यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से इनको ऐतिहासिक जीत जरूर दिलाएंगे। और अब मैं इस चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले यहाँ की जनता व मीडिया बंधु भी मुझसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए, खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके बीएसपी व सपा का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी इसी गठबंधन के तहत यह मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट करने के लिए, वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं, जिसका कुछ ना कुछ जवाब आप लोग मुझसे जरूर जानना चाहेंगे। हालांकि इन सब का जवाब मैं मीडिया बंधुओं को व इनके जरिए यहाँ की जनता को भी इस किए गए गठबंधन के ऐलान के समय में दे चुकी हूँ, जिसे मैं फिर से दोहराकर खासकर अभी चुनाव के दौरान अपना व यहाँ के लोगों का भी कीमती समय खराब नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और अब मैं गठबंधन के तहत यहाँ सपा से चुनाव लड़ रहे इस पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफ़ी कुछ जोड़ा है, और खासकर अपने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इन्होंने बड़े पैमाने पर जोड़ा है। जो ये लोग आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली हैं, वास्तविक हैं, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। जबकि श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने गुजरात में अपनी सरकार के समय में
वहाँ सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी अगड़ी जाति अर्थात उच्च जाति को पिछड़े वर्ग का घोषित कर लिया था, और यह अभी भी इनका हक मारने का ही लगातार काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर इसका पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में काफी चुनावी लाभ भी उठाया है, और फिर इसकी आड़ में ये देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि एक नकली व फर्जी व्यक्ति या पिछड़े वर्गों का कभी भी अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से इनका भला नहीं कर सकता है। और फिर ऐसे नकली पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के सत्ता में आ जाने का ही परिणाम है कि अभी भी पूरे देश में या केंद्र व राज्य सरकारों में भी खासकर दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित लाखों स्थायी नौकरी के पद खाली पड़े हुए हैं, जिन पर अभी तक भी भर्ती नहीं करके फिर ऐसे नकली लोगों द्वारा इन वर्गों के हितों के साथ काफी खिलवाड़ किया जा रहा है, और इनमें अब काफी बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और अब ऐसे में इन लोगों को इस चुनाव में या असली व नकली की पहचान करना व उनसे सावधानी बरतना आदि भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अब इन्हें ऐसे नकली लोगों से और भी ज़्यादा धोखा खाते रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें इस बात पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है कि इनका असली नेता व असली हितैषी कौन है। इसे भी ध्यान में रखकर ही अब इन लोगों को अर्थात अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इस लोकसभा के आम चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन को ही कामयाब बनाना है, और यह खासकर पिछड़ों के असली व वास्तविक नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही फिर से इनको इस बार संसद में चुनकर जरूर भेजना, जिनकी विरासत व मूवमेंट को अब इनके एकमात्र उत्तराधिकारी श्री अखिलेश यादव इसे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से संभाले हुए हैं और निभा भी रहे हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता या कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी तथा अन्य और पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में केंद्र में बीजेपी भी अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी पूंजीवादी संकीर्ण सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से भारतीय जनता पार्टी जरूर बाहर चली जाएगी, और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है, और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की ये नहीं नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश में आम जन इससे जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें, और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में
देश में विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ गरीबों, मजलूमों, किसानों, बेरोजगारों आदि के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। जिन पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का ही पूरा पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पिछले लोकसभा के आम चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने और उस समय तो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा के आम चुनाव में तो क्या कहा था। उन्होंने पूरे देश की जनता को किस्म किस्म के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए, और सबसे बड़ा चुनावी वायदा ये था कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाएगी तो पावर में आने के बाद 100 दिनों के अंदर ही जो विदेशों में काला धन जमा है तो उसको वापस लाकर केंद्र में सत्ता के में आने के बाद 100 दिनों के अंदर ही उसको वापस लाकर फिर पूरे देश के हर गरीब व्यक्ति को, एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो 5ों व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए तो आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे। ये किन्होंने कहा था? ये श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। मैं मैनपुरी के लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या पूरे 5 साल में किसी को भी 15 लाख या 20 लाख रुपए मिले हैं? मैं समझती हूँ किसी को भी नहीं मिले हैं। सपने तो बहुत दिखाए थे, तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को खास तौर से चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां आप लोगों के वोटों को लेने के लिए वो किस्म किस्म के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे ये लोग पार्टियां करेंगी। आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल भी कतई नहीं आना है। और आप लोगों को मालूम है कि आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, लेकिन इन्होंने अपने वायदे को पूरा नहीं किया, फिर ये पार्टी सत्ता से बाहर चली गई और दूसरी पार्टियां केंद्र की सत्ता में आ गई। और अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में घूम घूम के खासकर गरीब लोगों का वोट लेने के लिए गरीबों को ये कह रही है कि यदि कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो फिर गरीब लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी, थोड़ी सी आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये आर्थिक, थोड़ी सी आर्थिक मदद से आपका भला नहीं होने वाला। और यदि केंद्र में हमारी पार्टी पावर में आती है तो हम तो आप लोगों को ये थोड़ी सी आर्थिक मदद नहीं बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में आप लोगों को हम जो गरीब बेरोजगार लोग हैं उनको हम लोग स्थायी नौकरी के साधन देंगे, आपको नौकरी उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा आप लोगों को कहना है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि चुनाव में तो विरोधी पार्टियाँ किस्म किस्म के वायदे करेंगी, लेकिन आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। आप लोगों को सपा और बसपा का जो गठबंधन बना है, तो जिस गठबंधन के बारे में तो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी आए दिन किस्म किस्म के अनाप शनाप बयानबाजी करती रहती है, तो खास तौर से प्रधानमंत्री तो क्या क्या नहीं बोलते, वो तो शराब की बजाय शराब बोल देते हैं इस गठबंधन को। मेरठ के अंदर उन्होंने कहा था, आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना चाहती हूँ
कि आप लोगों ने जो हमारे गठबंधन को शराब की संज्ञा दी है, तो लेकिन ये जो अपार जन समूह है तो ये आज इतना नशे में ये चूर हो गया, शराब पीकर नहीं लेकिन बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें इतना नशा चल गया है कि अब आप लोग इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे धार्मिक भावनाओं को भड़काए आप लोगों की, चाहे वो जाति के आधार पर वो किस्म किस्म की वो नाटकबाजी करे, लेकिन अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। दो चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है, बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई है। और जो आगे के चरण बचे हैं उसमें तो इनकी हालत मुझे ऐसा लगता है अब बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि अब आप लोगों को विरोधी पार्टियों के किसी भी हथकंडे में बहकावे में ना आकर जो हमारा ये गठबंधन है, तो इस गठबंधन को आप लोगों को कामयाब बनाना है। और इस गठबंधन के तहत आपकी ये जो मैनपुरी की लोकसभा की सीट है, जिस सीट से श्री मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े हैं, ये इनकी पुरानी सीट है और इस क्षेत्र का इन्होंने बड़ा ख्याल रखा है, इसको विकसित किया है, आज के मैनपुरी का पूरा ध्यान रखा है और मैनपुरी से विशेष इनका लगाव रहा है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैनपुरी से जब इनका विशेष लगाव रहा है, तो उम्र के तकाजे को ध्यान में रखकर फिर भी इन्होंने आपके इस क्षेत्र को नहीं छोड़ा और उन्होंने ये फैसला लिया कि जब तक मुझ में आखिरी सांस भी है तो मैं मैनपुरी की सेवा करता रहूँगा और आपके बीच में आपका एक सेवक बनके श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली सेवक नहीं, एक असली सेवक बनके तो मैं आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। और ये आपके बीच में आए हैं, चुनाव लड़े हैं, तो मैं अब आप लोगों का और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब है और इसके बाद हमारी अगली संयुक्त चुनावी रैली आंवला के अंदर है, बरेली मंडल में उधर भी हमें पहुंचना है, तो इसलिए मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय ना लेते हुए, तो जो समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है साइकिल, आप लोग साइकिल को भूलना नहीं, तो आप लोग साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग श्री मुलायम सिंह यादव जी को आप लोग जरूर कामयाब बनाएंगे। तो इस खास अपील के साथ ही अब मैं श्री अखिलेश यादव जी से मैं चाहूंगी कि बहुत जल्दी आए, अपनी बात आप लोगों के सामने रखें ताकि हम लोग फिर अगले प्रोग्राम के लिए रवाना हों। तो अब मैं आप लोगों से पुनः तो श्री मुलायम सिंह यादव जी को कामयाब बनाने की अपील करते हुए आप लोगों से मैं रजा लेती हूँ। जय भीम, जय लोहिया, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।